कहानी की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक फॉरएवर नाइट का सिक्का होता है। इसके आगे कुछ फॉरएवर नाइट्स को एक बड़ा सा गोल का दरवाजा मिलता है जिस पर फॉरएवर नाइट्स का मुहर लगा हुआ होता है। तभी सभी फॉरएवर नाइट्स अपने मशीन से उस शील्ड को तोड़ने लगते हैं। तभी उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। तभी उस फॉरएवर नाइट्स में से एक नाइट्स वहां से भाग जाता है। ये बात जैसे ही उस बूढ़े आदमी जिसका नाम जॉर्ज होता है उसे पता चलता है तब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद बेन, केविन और ग्वेन को एक साथ केविन के गाड़ी में जाते हुए दिखाया जाता है जिसके दौरान बेन सो गया होता है। उसके बाद वे लोग उस सील्ड वाले जगह पर जाते हैं मगर वहाँ उनको कुछ नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर फॉरएवर नाइट्स का हेड आ जाता है। उसके बाद उन फॉरएवर नाइट्स को लगता है कि इन्होंने ही उनके आदमी पर हमला किया होता है। तब ये फॉरएवर नाइट्स हमला करने लगते हैं। तब ग्वेन सबको सील्ड करती है। उसके बाद वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं। तभी फॉरएवर नाइट्स का हेड बेन को कैद करके हाथ उठाने के लिए बोलता है मगर बेन तभी ह्यूमंगस और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। उसके बाद बेन उन सभी नाइट्स को समझाता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। उसके बाद सभी एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं और फिर उस चीज का पता लगाने लगते हैं कि आखिर इस शील्ड में से क्या बाहर निकला है। तभी उन सभी को पता चलता है कि एक अजीब सा जानवर सभी आदमियों को गायब कर रहा होता है। तब वे सभी उस जगह पर जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद वे लोग देखते हैं कि एक अजीब सा एलियन एक पुलिस वाले के दिमाग को कंट्रोल करके खा रहा होता है। तब बेन सोमफायर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस नाइट्स के हथियार को अपने बीज के मदद से ले लेता है। तब ग्वेन उस पुलिस वाले को बचाने जाती है मगर वह एलियन ग्वेन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। तब केविन एक मेटल को सोख कर उस एलियन से लड़ने लगता है। उसके बाद बेन उस एलियन पर आग से हमला करने लगता है मगर वह एलियन वहां से बच कर निकल जाता है। उसके बाद वे सभी एक साथ मिलकर उस एलियन को खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं। तब बेन क्रोमास्टोन एलियन बनकर उड़ते हुए जाने लगता है और इधर ग्वेन अपने जादू से उस एलियन के बारे में पता करने लगती है। तभी ग्वेन को पता चलता है कि वो एलियन कहां पर है। तभी वे सभी उस एलियन वाले जगह पर जाने लगते हैं और इधर फॉरएवर नाइट्स भी बेन का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वे सभी उस एलियन वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी वह एलियन ग्वेन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है जिसकी वजह से वे सभी नीचे गिरने लगते हैं। तभी बेन गुप एलियन बनकर उन दोनों को बचा लेता है। तब उन लोगों को पता चलता है कि ये एलियन उन लोगों के सोच को खा रहा होता है। तब बेन आर्मा डीलर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर उस दीवार को तोड़ देता है। उसके बाद वे सभी इंसान बेन और केविन पर हमला करने लगते हैं और इधर फॉरएवर नाइट्स ग्वेन के पास आ जाते हैं। तब ग्वेन उन सभी नाइट्स को हरा देती है। उसके बाद बेन एनर्जी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब बेन उस एलियन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वह एलियन घायल हो जाता है मगर वह एलियन भी बेन पर हमला कर देता है। उसके बाद बेन एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना देता है जिसमें वह एलियन फंस जाता है। उसके बाद ग्वेन अपने जादू से उस एलियन को उसके शील्ड में टेलीपोर्ट कर देती है। तो दोस्तों इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।